क्या हम सिर्फ 1000 रुपए से ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं एंड क्या 24 आवर्स में हमें अपना फर्स्ट सेल आ सकता है जस्ट 1000 रुपीज से। चलिए पता करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे, इट्स मी आशु दिस साइड। तो हम इस पूरे वीडियो में अपनी डॉक्यूमेंटेड जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था एक क्लोदिंग ब्रांड का कोर्स कि हम ड्रॉप शिपिंग के हेल्प से क्लोदिंग ब्रांड कैसे शुरू कर सकते हैं। उसका कोई 2-3 घंटे का पूरा कोर्स वीडियो मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप आई बटन में जाके या मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो के एंड में मैंने मेंशन किया था कि मैं एक 24 आवर चैलेंज लूंगा कि जो भी मैंने अपना वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाया उसके लिए एक 24 आवर चैलेंज होगा जस्ट यूजिंग द बजट ऑफ 1000 रुपीज ओनली। कि इस 1000 रुपीज से हमें क्या रियलिस्टिकली कोई भी सेल आ सकती है, क्या हम सिर्फ 1000 रुपीज से अपना ड्रॉप शिपिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम पता करेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअली में मुझे कोई भी सेल्स आती है भी या नहीं जस्ट 1000 रुपीज में। तो स्टार्टिंग में मेरा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं आप इस प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपके पास सिंगल प्रोडक्ट है उस पूरे स्टोर पे, आप इस प्रोडक्ट के ऊपर 1000 रुपीज का एड चलाएंगे, आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सेल्स आ सकता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, आपका पूरा 1000 रुपीज एक ही प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड हो रहा है। बट अगर आप एक क्लोदिंग ब्रांड शुरू कर रहे हैं, क्लोदिंग बिजनेस या क्लोदिंग ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर एड चला रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आपका कौन सा स्पेसिफिक इन्वेंट्री आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। या तो वो टी शर्ट हो सकता है, अगर टी शर्ट है तो टी शर्ट में आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री है, टी शर्ट में अलग अलग प्रिंट के टी शर्ट है, आपके पास 150 टी शर्ट है, 10-15 टी शर्ट, जितनी भी टी शर्ट है आपको इंडिविजुअली हर टी शर्ट के ऊपर एड चला के देखना पड़ेगा कि कौन सा टी शर्ट आपका विनिंग टी शर्ट हो सकता है। सो इस चीज में पैसे खर्च होंगे बट हमारे पास लिमिटेड बजट है। तो दिक्कत यही है कि 1000 रुपीज में इतने सारे प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला के टेस्ट करना एंड टेस्ट करने के बाद कोई एक प्रोडक्ट पता करना कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल आ रही है, इस टी शर्ट या शर्ट के ऊपर सेल आ रही है, इस चीज़ में पैसे खर्च हो सकते हैं। तो हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ बजट का है, अगर हमारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ बजट हो तो हम डिसेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट अगर इस बजट में भी हमें 1-2 सेल्स भी आ जाती है, देन वी विल गेट एन आइडिया कि ओके ये पर्टिकुलर टी शर्ट काम कर रहा है, ये पर्टिकुलर एड क्रिएटिव काम कर रहा है, हम इसी को स्केल कर सकते हैं। हमारा मेन बेसिक गोल यही होगा कि 1-2 डिसेंट भी सेल आ जाए, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब कि चीज़ें काम कर रही हैं बस प्रूव के लिए। तो अब बात आता है कि हमें वेबसाइट क्रिएट करना है, एड क्रिएट करना है, एड क्रिएटिव क्रिएट करना है, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना, सारी चीज़ें करनी है एंड इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है। 24 आवर का चैलेंज है, आई एम एज्यूमिंग कि 3 घंटा मैंने इस चीज़ को दे दिया है, जितनी मेरी एडिटिंग स्किल्स है, जितना मुझे टाइम लगता है, मैं अपने हिसाब से 3 घंटा ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 3 घंटे उस चीज़ में गए एंड आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टोर नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं किया। मैं अभी भी स्क्रीन पे स्टोर दिखा सकता हूँ, मैंने ये वेबसाइट लाइव अपने कोर्स में बना के दिखाया, वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, दैट्स अ 3-आवर लॉन्ग वीडियो। उसमें मैंने वेबसाइट दिखाया, अपना डोमेन नेम दिखाया, मैंने एग्जैक्टली अपने स्टेप्स भी दिखाए कि मैं किस स्टेप से एड्स रन करने वाला हूँ। फुल ट्रांसपेरेंसी, नथिंग हैज़ बीन हिडन इन दैट वीडियो। तो आप वो कोर्स वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैंने वेबसाइट किस हिसाब से क्रिएट किया, ठीक है। तो हमारे पास वेबसाइट आ गया, डोमेन नेम आ गया, हमने पिक्सल कनेक्ट कर लिया, सब कर लिया, अब हमें ऐड रन करना है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी यही रहता है, अगर मुझे ऐड रन करना है, मैं रात को सोने से पहले वो ऐड को शेड्यूल कर देता हूँ 6 बजे का, सो दैट उसके पास पूरा इनफ टाइम रहे, एड क्रिएटिव के पास पूरा या पूरे कैंपेन के पास इनफ टाइम रहे, वो थ्रू आउट 24 आवर के टाइम फ्रेम में वो पूरा अमाउंट स्पेंड हो सके अक्रॉस ऑल दी एड सेट्स, ठीक है। सो सुबह के 6 बजे के लिए मैंने एड शेड्यूल कर दिया। होल्ड ऑन, यू लुक एट दिस। तो रात के बज रहे हैं कुछ 2, मैंने ये एड शेड्यूल कर दिया है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, सो एडिट, तो इसके अंदर कुछ 5 एड सेट्स हैं। ईच एड सेट कंसिस्ट ऑफ 1 इंटरेस्ट ओनली, क्लोदिंग से रिलेटेड ही है, तो मैंने एक ही इंटरेस्ट डाला है ईच एड सेट के अंदर। जैसे ये फॉरएवर 21 क्लोदिंग ब्रांड है, फिर उसके नीचे H&M है, जीन्स टी शर्ट क्लोदिंग, सो एवरी एड सेट हैज 1 इंटरेस्ट। मैंने सब में एक्सक्लूड कर दिया नॉर्थ इन स्टेट्स, जैसे जैसे मैंने अपने कोर्स में बताया था सारी चीज़ें कर दी हैं, एंड पर एड सेट हैज़ अ बजट ऑफ 200 रुपीज। सो आई गेस माई फिंगर्स आर क्रॉस, अगर सब कुछ सही रहा तो 1000 रुपीज के अंदर 24 आवर चैलेंज सब कुछ सही जाएगा। कल का दिन देखते हैं कैसा जाता है। 13th of September रात के 2 बज रहे हैं। तो अब क्या है, हमने वेबसाइट बना लिया, हमने एड रन कर दिया, टेक्निकली अब तो पैसों की बरसात शुरू हो जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं, स्टोरी इतनी जल्दी शुरू नहीं हो सकती। लाइफ इतनी भी आसान नहीं है। तो मैंने ऐड ऑन कर दिए थे, 6 बजे तक हमारे ऐड शेड्यूल होके ऑन हो गए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप, मैंने देखा 10 बजे के करीबन, गेस करो, अभी भी गेस कर सकते हो, 10 बजे के करीबन 0 सेल्स थी। लेकिन दैट वॉज नॉट दी ओनली थिंग विच आई वॉज कंसर्न अबाउट,
जीरो सेल्स थी एंड जीरो सेशंस थे एंड स्पेंड हमारा हो भी नहीं रहा था, स्पेंड नहीं हो रहा था हमारे अकाउंट में, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर और वेट करते हैं, ठीक है। वी वेटेड फॉर अनदर 4 आवर्स। मैंने वापस अपना एड्स मैनेजर खोला, 2 बज रहे थे दिन के, दिस इज़ दी 13th of September, अभी तक 13 चल रहा है, ठीक है, 2 बज रहे थे दिन के, स्टिल जीरो सेल्स, जीरो सेशंस एंड जीरो एड स्पेंड। मैं समझ गया मेरे ऐड अकाउंट में दिक्कत है। तो हुआ क्या था, मैंने एक नए ऐड अकाउंट में नया ऐड कैंपेन क्रिएट किया था एंड नए ऐड अकाउंट में स्टार्टिंग में स्पेंड होने में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट अटैच नहीं था, क्रेडिट कार्ड अटैच नहीं था, पेमेंट मेथड अटैच नहीं थे। तो मेरा आधा दिन बर्बाद हो चुका था एंड मुझे नया फिर से एक पुराने बिजनेस मैनेजर में ये कैंपेन क्रिएट करने का मन नहीं था क्योंकि आधा दिन बर्बाद हो चुका था। सो हम नेक्स्ट डे शुरू करते हैं। अब इस पॉइंट तक तो मैं भी थोड़ा उदास था, फ्रस्ट्रेटेड था कि मेरा आधा दिन बर्बाद हो गया एंड इवेंचुअली हमारे पास कुछ भी नहीं है रिजल्ट्स के नाम पे, तो मुझे ये चैलेंज फिर से करना पड़ेगा एक फ्रेश डे से। सो अगली रात को 14 की रात को मैंने सारे एड्स को वापस शेड्यूल किया 14 की सुबह 6 बजे के लिए एंड देन मॉर्निंग में उठ के हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो अभी हो रहा है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो 14 सितंबर एंड रात के कुछ 1 बज रहे हैं, ठीक है। अब मैं ऐड रन करने वापस जा रहा था लेकिन अब फेसबुक पे कुछ ग्लिच है, तो ये लोग चाहते नहीं है कि मैं चैलेंज करूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और 5 बजे उठ के देखना पड़ेगा कि फेसबुक का बिजनेस मैनेजर चल रहा है या नहीं। मैंने लैपटॉप रीस्टार्ट कर दिया, पेज रीलोड कर दिया, ब्राउज़र चेंज कर दिया, सब कर दिया, इन लोगों का कुछ तो ग्लिच है एंड काम नहीं कर रहा। सो ये चैलेंज देखते हैं कल 14th of September को शुरू हो भी पाता है या नहीं। ओके, लेट्स स्टे कनेक्टेड। ओके, सो दिस इज 14th of morning। एड्स रन करने से पहले जो एड्स मैंने रात को शेड्यूल किए थे वो शेड्यूल करने से पहले मेरे पास सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न था कि हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत वाइड रेंज है एंड हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है। तो हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है कि हम सबके ऊपर स्पेंड करके टेस्ट करके देख सके कि ये एक्चुअली में हमारा विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं। मतलब हम सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअली एड्स नहीं चला सकते। देन फेसबुक सेल्स कैंपेन में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप कैरोसेल एड्स चला सकते हो। हाउ ब्यूटीफुल दैट कैन बी, मतलब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप के एड्स को कैरोसेल एड्स बोलते हैं। मतलब आप स्लाइड कर करके प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फीड पे इस टाइप का ऐड आता है, कस्टमर स्लाइड कर करके खाली प्रोडक्ट ब्राउज कर सकता है एंड अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो वहीं से क्लिक करके डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर टी शर्ट के प्रोडक्ट पेज पे चला जाता है, ठीक है। अब हमें इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट के ऊपर ऐड नहीं रन करना पड़ा, कैरोसेल एड्स ने हमारी ज़िंदगी बचा ली। तो 1000 रुपीज़ अब वेल इनफ स्पेंड हो सकते हैं। अब हमें मल्टीपल एड सेट्स पे काम करना, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके दिखाया था, बट स्टिल अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए मैं दिखा सकता हूँ कि मल्टीपल एड्स क्रिएटिव थे 14th of September। क्या हमें कोई सेल्स आई है? उससे पहले मैं थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन के जवाब देना पसंद करूंगा। लोग मेरे से पूछते हैं कि सप्लायर कौन था। अगर हम टी शर्ट सेल कर रहे हैं, या तो आप प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के साथ जा सकते हैं या ड्रॉप शिपिंग के साथ जा सकते हैं या तो खुद का प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोर्स या इस पर्टिकुलर चैलेंज में मैंने प्रिंट ऑन डिमांड लिया, तो उसका सप्लायर रोपोसो था, ठीक है, दैट्स डन। तो हमने रोपोसो से प्रोडक्ट उठाया, अपने शॉपिफाई स्टोर पर डाला, स्टोर पे डाल के हमने बस एड्स रन किए उन प्रोडक्ट के ऊपर एंड एड्स देख के कस्टमर हमारे स्टोर्स पे एंड वहाँ पे उनको अगर टी शर्ट पसंद आती है तो वो परचेज कर लेते हैं। एज सिंपल एज दैट, ये पूरा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल होता है। अगर आपको और जानना है मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, ठीक है। वेबसाइट कहाँ से डिज़ाइन की? वेबसाइट शॉपिफाई से बनी थी। हमने एड्स कैसे क्रिएट किया? सिंपल लॉजिक है, आपको बस वीडियो देखना है, मैं ऐड एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये चैलेंज वीडियो है, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि क्या 14th of September को हमें सेल्स आया या नहीं। सुबह के बज रहे थे कुछ 11, हमारी फर्स्ट सेल आ चुकी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ तक खुश था, मैं चाहे तो इतने पे क्लोज कर सकता था, मैं अपने एड्स भी रोक सकता था क्योंकि ऑलरेडी इट वॉज अराउंड 500 रुपीज़ हैज़ बिन स्पेंट, ठीक है। 2 बजते हैं, नो सेल्स। मैं फिर उसके बाद चिल करने चला जाता हूँ, अपने पास जिम है, अपने पास पर्सनल काम है, बिजनेस है एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें। फिर मुझे याद आता है कि मुझे सुबह 6 बजे क्लोज करना था वेबसाइट, मतलब 15th को सुबह 6 बजे वो ऑटोमेटिकली एड्स बंद होने वाले थे। तो सुबह मॉर्निंग में बैठ के मैं देखता हूँ कि मेरे पास टोटल ऑफ 2 सेल थे। भाई मैं इतना क्यों हाइप क्रिएट कर रहा हूँ। सो टोटल ऑफ वी हैव 2 सेल्स, ठीक है। नंबर्स ब्रेक डाउन करते हैं तब जाके आपको समझ में आएगा कि कितने स्पेंड होने पे कितने आए थे, ठीक है। सो दिस इज 14th of September, जैसा आप देख सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन रिफ्रेश द पेज, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका वेट करता हूँ 14th of September, और यहाँ पे टोटल हमें 2 सेल्स आई। आई डोंट नो व्हाई कि 2 ऐड टू कार्ट सेशन एंड सब कुछ, 2 लोगों ने ऐड किया, 2 लोगों ने परचेज किया, दैट्स गुड। हमारे पास सेशंस कुछ ज़्यादा ही आ गए थे एंड इवेंचुअली उस सेशंस के हिसाब से हमें सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं आई। काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट 1000 रुपीज़ में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते।
एंड यू कैन सी कि सेल्स प्लेटफॉर्म सारे के सारे फेसबुक थे, इतने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतने इतने ट्रैफिक गए थे. दिस इज़ सो फार गुड, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही था. एंड इवेंचुअली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ऑर्डर्स हैं, तो टेक्निकली मैंने उसको एक दिन और चला के देखा था तो टोटल 4 ऑर्डर्स आ गए थे. सेम अगर मैं इसको 15 भी कर देता हूँ तो सो टोटल ऑफ 4 ऑर्डर्स वर देयर. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ 24 आवर्स के स्टैट्स बताता हूँ एंड हमने कितना स्पेंड किया, कितना प्रॉफिट बना एंड क्या हुआ. ठीक है तो नंबर्स ब्रेक डाउन करते हैं. तो हमने 14th ऑफ सितंबर को टोटल एड रन किया था 942 रुपीज़ का. मैं प्रिसाइजली उसको 1000 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ क्योंकि टैक्स के भी अमाउंट लगते हैं. 1000 रुपीज़ का एड्स रन हुआ तो हम लोग प्रोडक्ट 600 रुपीज़ का सेल कर रहे थे एंड पर प्रोडक्ट हमें 220 रुपीज़ का प्रॉफिट था. हमें 2 सेल्स आई एक दिन के अंदर, 220, 440 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ. ठीक है, दैट्स गुड. अगला सवाल आता है कि इसमें RTO कितना हुआ. अब मैं जानबूझ के ये वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट मुझे आइडिया लगे कि ये ऑर्डर शिप हुए हैं या नहीं. एंड फॉर्चुनेटली एक भी ऑर्डर RTO नहीं हुआ, दोनों के दोनों ऑर्डर डिलीवर हुए हैं एंड हमारे रोपोसो के डैशबोर्ड में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो 100% डिलीवरी रेट, तो हमें इसमें लॉस नहीं हुआ. 1000 रुपीज़ के ऐड रन किए, हमें 440 का प्रॉफिट हुआ. 600 रुपीज़ का लॉस हुआ ये मैं आराम से समझ सकता हूँ, बट हमारे पास बजट कम था, हम टेस्ट ज़्यादा नहीं कर पाए इसलिए हम ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते. इवेंचुअली अगर आप बजट ज़्यादा लेते हैं, नंबर्स ज़्यादा होंगे आपके पास, डेटा ज़्यादा होंगे, देन यू विल हैव मोर ऑप्शंस टू एक्सप्लोर. नाउ एट दी एंड आपने सारे नंबर्स देख लिए, मेरे सारे रिजल्ट्स देख लिए, पूरा प्रोसेस देख लिया कि वेबसाइट कैसे बनती है, ऐड कैसे बनता है, सब कुछ आपको सब कुछ मालूम चल गया. आई नो यू गाइज आर स्मार्ट, बट माई फाइनल वर्ड्स कि क्या आपको ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहिए विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट? बिल्कुल नहीं. ड्रॉप शिपिंग को हमेशा एक फुल्ली फ्लेश्ड बिजनेस की तरह लीजिए. बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस में कैपिटल लगता है, बिजनेस में कैपिटल पे रिस्क होता है. तो हमेशा ये बात मान के चलिए कि अगर आप 20-30 हज़ार भी रुपये लेके आ रहे हैं तो प्रोडक्ट टेस्टिंग में वो पैसे पूरे के पूरे ज़ीरो भी हो सकते हैं एंड आप ब्रेक इवन पे भी नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो हमेशा एक ऐसा अमाउंट लेके इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के अंदर घुसिए, वो अमाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट से चला भी जाए, जल भी जाए, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हिले, आपके दिमाग पे प्रेशर ना हो कि पैसे चाहिए. ठीक है, सो हमेशा बिजनेस उसी पर्टिकुलर अमाउंट से रिस्क लेके करना चाहिए जितने अमाउंट आपके मेंटली स्ट्रेस ना दे. एंड अगर आप क्लोथिंग ब्रांड ड्रॉप शिपिंग की जगह नॉर्मल प्रेफरेबल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जिसमें आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाते हैं, स्टोर बनाते हैं, ट्रैफिक लाते हैं एड्स के थ्रू एंड कस्टमर ऑर्डर करते हैं, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है. एंड प्रोडक्ट रिसर्च करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, या तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से कर सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक वे से कर सकते हैं, या तो कोई प्रीमियम टूल से कर सकते हैं. मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, अगर आपके पास एक प्रीमियम टूल है तो आप उससे भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं. ओके, तो मीनिया एक ऐसा स्पाई टूल है जिसकी हेल्प से आप थ्रू आउट द वर्ल्ड में देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके कंपटीटर्स किस टाइप के एड्स रन कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ड्रॉप शिपिंग. मतलब अगर ये प्रोडक्ट कोई इंसान US में सेल कर रहा है तो उसके ऐड क्रिएटिव कैसे हैं, उसने वेबसाइट कैसे बनाई है और क्या उसकी वेबसाइट एक्चुअली में परफॉर्म कर रही है. ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसके डेमोग्राफिक्स भी देख सकते हैं कि वो कौन से टारगेटेड ऑडियंस को एड्स दिखा रहा है. सो दैट्स वाई आई पर्सनली रिकमेंड दिस वन. अगर आपको एक्सेस मेनिया पे क्लिक करना है तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एड्स पाई का एक सेक्शन है. ठीक है, तो आप फेसबुक एड्स पे क्लिक करेंगे, देन आपको अगर कोई एड के बारे में सर्च करना है तो आप यहाँ पे बाई कीवर्ड सर्च कर सकते हैं. जैसे ड्रॉप शिपिंग के जो भी एड्स होते हैं उसमें फ्री शिपिंग ज़रूर मेंशन होता है इस कीवर्ड में, राइट. अगर आप देख सकते हैं ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, नीचे ये वाला एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है दिस मसाजर, लेकिन इसके लाइक्स शेयर्स एंड कमेंट बहुत कम है, राइट. तो हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसके शेयर्स ज़्यादा हो, लाइक्स ज़्यादा हो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो ज़्यादा दिन से ऐड चला रहा हूँ, क्योंकि अगर उसके एड्स ज़्यादा दिन से चल रहे होंगे दैट मीन्स दे आर प्रॉफिटेबल देन एंड ओनली दे आर रनिंग एड्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ये वाला, ये लोग 35 डेज से ऐड चला रहे हैं, इनके शेयर्स भी अच्छे हैं, लाइक्स भी अच्छे हैं. बट अगर मैं और स्क्रोल करके देखूँ तो हमें इससे भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. If I scroll down this one, if you can see, this is something related to wrist watch, smart watch. अगर इसमें भी आपको समझ में ना आए, आप best of the months पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इस particular month में कौन कौन से अच्छे drop shipping product perform कर रहे हैं and फिर आप उसको Indian market में ढूंढ सकते हैं कि Indian market में ये products available है या नहीं. Usually क्या होता है कि जो trending products American या foreign markets में चलते हैं वो India में आते आते बहुत कम saturation point पे होते हैं, कि वहाँ तो अच्छे टाइम पे सैचुरेट हो चुके बट इंडिया में वो प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं आए हैं. आप अगर अर्ली अडाप्टर है पहले जाके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं एंड इंडिया में अगर वो आपको किसी सप्लायर के पास मिल जाता है
देन यहाँ से जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये और 1200 डेज से ये ऐड चला रहा है, दे माइट बी डूइंग समथिंग गुड। आप यहाँ पे इसके ऐड क्रिएटिव देख सकते हैं, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, आप इसके ऐड क्रिएटिव देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे देन आप देख सकते हैं कि ये किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, कौन से जेंडर को टारगेट कर रहा है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप इसकी वेबसाइट भी खोल के देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो आप इस वेबसाइट के इंस्पिरेशन लेके इस टाइप का कुछ बना सकते हैं। माय पर्सनल ओपिनियन इसकी वेबसाइट अच्छी है नहीं उतनी, ठीक है। सो अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग प्लान कर रहे हैं देन रिसर्च इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉप शिपिंग के पूरे बिजनेस में रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है एंड कुछ कुछ टूल्स के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, इवेंचुअली आपको हेल्प ही होगा। सो जितना मुझे आइडिया है मीमिया का मंथली सब्सक्रिप्शन $49 का होता है, लेट मी चेक, या $49 ये यहाँ पे यूरोस में लिखा है, बट इवेंचुअली इट्स $49। $49 में आपको अच्छे खासे प्रीमियम सर्विसेज मिल सकते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से साइन अप करते हैं देन आपको 50% ऑफ मिल सकता है। वहाँ पे एक कोड होगा, आपको वो कोड चेकआउट पेज पे डालना होगा एंड यू विल गेट स्ट्रेट 50% ऑफ। इजंट दैट ग्रेट? सो या इफ यू गाइस आर रियली सीरियस अबाउट ड्रॉप शिपिंग देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस वन आउट। आगे बढ़ते हैं। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि 24 आवर्स में ड्रॉप शिपिंग जस्ट 1000 rupees से करना चाहिए भी या नहीं, राइट? So I guess that will be it for this video. If you really like this video, just give it a big fat thumbs up and hum milenge ek nayi video mein. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.